देखते हैं कि हिंदुस्तान का क्या कहना है. क्या लोगों का मानना है कि छुआछूत और जाति के आधार पर भेदभाव अब भी हिंदुस्तान में है या नहीं? मेरे हिसाब से इस देश में अभी छुआछूत नहीं होता. शहरों में भी जात पात नहीं होता, गाँव में भी जात पात नहीं होता. जातिवाद अब इतना नहीं होता है. जात पात से कोई भेदभाव नहीं होता, अब उतना नहीं रहता है. आजकल किसी के पास टाइम कहाँ है इतना सोचने का भी. छुआछूत का जो भी भेदभाव है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है. इक्वल लेवल अभी ट्रीटमेंट हो रही है. मैं समझता हूँ कि जाति पाति का तो भेदभाव रह ही नहीं गया है. कास्ट में कुछ अंतर नहीं रहा, सबको इंसानियत मानते हैं. तो छुआछूत बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शहरों में गाँव में आजकल ये सब खत्म हो चुका है. दोस्तों इस वक्त मेरे साथ हैं स्टैलिन, जो इसी क्षेत्र में पिछले 10-15 साल से काम कर चुके हैं. और स्टैलिन जी ने एक बहुत ही अहम फिल्म भी बनाई है इसी मुद्दे पर. स्टैलिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने का. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. स्टैलिन आपने देखा, कई लोगों का ये मानना है कि इस वक्त हिंदुस्तान में छुआछूत बहुत कम हो गया या नहीं के बराबर हो गया है. आपका क्या अनुभव रहा है? बहुत अच्छा होता अगर हकीकत ऐसी होती कि नहीं चल रही या ख़त्म हो चुकी, तो बहुत खुशी होती. लेकिन मेरे जो अनुभव रहे हैं 8 राज्यों में 25,000 किलोमीटर घूम करके 4 साल के जर्नी में मैंने जो पाया वो कुछ और है, कुछ अलग है. वो हकीकत ये है कि अब भी गाँव में और शहरों में छुआछूत का मसला है. शहरों में जो तरीका है वो बदल चुका है जी. आजकल कोई मेरे यहाँ पानी मत पियो, मेरे घर में मत आओ, वो जो फिजिकल छुआछूत की जो बात है वो शायद शहरों में नहीं होगा या कम होगा. लेकिन अब भी सेग्रीगेशन ऑफ लिविंग स्पेसेस के अलग अलग एक नेबरहुड होता है उनका, अलग अलग रहते हैं, अलग रहते हैं. एक और चीज आपको बता दूं कि मैंने सर्वे किया है कि अगर किसी को पूछो कि क्या छुआछूत का मसला है, तो अगर ना कहते हैं लोग, और पूछो कि आपको क्या आपका कास्ट मालूम है, अगर उनको नहीं मालूम होता तो मुझसे लिखवा लीजिए कि वो अपर कास्ट होंगे. वो इसलिए क्योंकि ये समाज, अगर आप दलित हैं तो कोई कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई आपको ये बात एहसास ना करवा दिया हो किसी ने कि आप इस जात पे हैं. आइए आपकी फिल्म का एक क्लिप देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कहाँ अलग अलग जगह क्या चल रहा है. आइए. गांव में प्रवेश करते वक्त कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है. हमारी परंपरा के अनुसार दलितों का चप्पल पहन के ऊंची जाति के इलाके में दाखिल होना मना है. वो दलितों को नहीं बिठाते, बाकी सबको बिठाते हैं. टेम्पो वाला कहता है कि ऊंची जाति वाले उतर जाएंगे अगर हम बैठेंगे तो. उनको लगता है हमारे बैठने से उनका खाने का डब्बा अशुद्ध हो जाएगा. मिस्त्री का काम करता हूँ. जब ही नया घर बनाता है उस टाइम में अंदर भी सब हम लोग ही बनाता है. घर पूरा होने के बाद कलर वगैरह सब मारने के बाद अंदर नहीं आने देता. क्यों नहीं आने देता? उन दलितों लोग ऐसे नहीं आने देता. हम गाजर धोने नदी के उस ओर गए थे, उन्होंने जब देखा तो चिल्लाए, तुम दलित हमारी तरफ की पानी में क्या कर रहे हो, किसी को तो मरना पड़ेगा इसके लिए. वो बोले तुम दलितों को मालूम नहीं तुम्हारा पानी नीचे की तरफ है, यहाँ क्यों आए, भागो यहाँ से. पीछे के रास्ते से उन्होंने हमारे घर पर ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें फेंकी. आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा था, हमारा गुनाह क्या था? हम बस थोड़ा सा पानी ही तो लेने गए थे, क्या वो भी हमें नसीब नहीं? मुझे बताइए, आपने इस विषय पर एक फिल्म बनाई है, आपके समझ से इसकी जेनेसिस कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक क्लिप है जिसमें पूरा कोट बताया है, वो दिखाइए. देख सकते हैं. दिखाइए. मेरा नाम बडू प्रसाद शर्मा शास्त्री है. ये जो तुलसी मानस मंदिर है इसका मैं अधीक्षक हूँ, और काशी के जो विद्वानों की मंडली है श्री काशी विद्वत परिषद का मैं महामंत्री. शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ. देखो वो जो दिव्य पुरुष है, वेद विराट पुरुष है, उसके ब्राह्मणोस्य मुखम आशीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ठीक है. बाहु राजन्या, बाहु से क्षत्रिय,
ऊरु तदस्य जनवैश्याः पेट सर यहाँ ये जो स्थान है ना यहाँ से वैश्य पैदा हुआ पदभ्याम शूद्रो अजायत पैरों से शूद्र अजायत बने पैदा हुआ कल को ये पैर कह दे करोड़ों वर्ष से हमारे ऊपर ये शरीर खड़ा है हमको दलित कर दिया है इसने अब हम ऊपर रहेंगे और शेर नीचे रहेगा अब पता लगा कि स्टालिन सिर के बल पर चल रहा है कहीं पागल हो गए क्या हो है आपको जो है भारत का जो संविधान है उसके और हमारे जो वेद है उसके बीच में चुनना है आपको नहीं हमको भारत संविधान हम नहीं चुनते हम भारत संविधान को संविधान नहीं मानते हम भारत का संविधान जो है अशास्त्रीय है हम इस संविधान को हम अपनी दुर्गति मानते हैं मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और दुख भी कि कोई हिंदुस्तान का नागरिक हमारे संविधान को नहीं मानता मेरे ख्याल से ये जो लड़ाई है वैचारिक तौर पे ये दोनों चीज की लड़ाई है और हम एक साथ 16वीं सदी और 22वीं सदी दोनों में जीते हैं और हमको कभी कभी ये लगता है एज इंडियंस कि हमारी जो पुरानी बातें हैं पुरानी संस्कृति है उसको संभाल के रखना ही हमारा अस्तित्व है ये हमारी पहचान है तो जाति और छुआछूत ये सब उस परंपरा में भी आती है तो उसको क्वेश्चन नहीं करते और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिविजुअल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जातिवाद में भेदभाव करना कानूनन गुनाह है और वो क्रिमिनल ऑफेंस है जातिवाद तो वैसे इस्लाम में नहीं होता या सिखिज्म में नहीं होता क्रिश्चियनिटी में नहीं होता तो इसका क्या अनुभव रहा है आपका एक बुजुर्ग मिले थे बिहार में उनसे मैंने पूछा था कि क्या इस्लाम में जात बिरादरी का तसव्वुर है तो उन्होंने खूबसूरत जवाब दिया था उन्होंने कहा था कि इस्लाम में नहीं है मुसलमानों में है तो उसी का हम आपको दिखा सकते हैं जी 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 मुसलमानों में दलित हैं होते नहीं हैं लेकिन अभी तक वो वोटर रहे वोकल नहीं रहे मुसलमानों में नट है पमरिया है हलालखोर है भांगी है भाट है धोबी है उसी तरह से जो उधर भी जातियां हैं इधर भी जातियां लगभग एक दर्जन की जातियां हैं शेख सैयद जो लोग हैं बड़े खानदान के हैं बड़े पोस्ट पर हैं वो तो अभी तक अपने घर में बैठने भी नहीं देते हैं साथ में छूत मानते हैं घिन मानते हैं ये तो घर घर का है जिसे भी पूछेगा आप उतरा सकते हैं हम क्या कर सकते हैं मतलब जात पात है हाँ जात पात अभी है जात पात एक ही जगह नहीं है कि मस्जिद जहाँ पर हम लोग अल्लाह की इबादत करने जाते हैं वहाँ पर कोई जात पात नहीं है वहाँ पर इसलिए बना लिया गया है कि हम भी मुसलमान आप भी मुसलमान हैं एक साथ पढ़िए मगर एक साथ और कोई कर्म नहीं कर सकते हैं आप वहाँ से निकलने के बाद आप जात पात वहाँ आइए सब भूल जाइए वहाँ से निकलिए सीढ़ी से उतरिए और शुरू हो जाएगा वहाँ पर 5 मिनट या 10 मिनट अल्लाह का डर उसको लगता है कि मुसलमान मुसलमान सब एक एक इस्लाम के मानने वाले हैं मगर उस मस्जिद के अंदर से बाहर निकलिए इस्लाम चला गया इधर और क्या बोलता है शोषण आ जाता है आगे में कुछ लोग यहाँ से आते हैं कुछ लोग वहाँ से आते हैं ऐसा क्यों है ना यहाँ जो है ना मजहब ही सिखा सकते हैं और वो जो है ना उधर वो जट जमींदारों के लिए है यहाँ गांव में किसी ने कोशिश की है कि वो जो जाट सिखों वाला दरवाजा है वहाँ से प्रसाद ले हाँ बड़ी बार एक आदमी का कपार फोड़ दिया था वो लोहे का इतना बड़ा होता है बर्तना मार के उसका कपार फोड़ दिया ऐसा होता है जैसे गुरु की वाणी कहती है कि अबल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे जात होने के कारण ही ये जो गुरुद्वारे अलग अलग बने हुए हैं हमारे गांव में तो दो है कहीं कहीं तीन तीन चार चार गुरुद्वारे हैं जितनी जाति है उतने गुरुद्वारे है या मंदिर है कास्ट स्ट्रक्चरल पुलिया के मणिपुर पटियाला मैं पुलिया जाति का क्रिश्चियन हूँ लेकिन ऊंची जाति के लिए मैं सिर्फ एक दलित हूँ क्रिश्चियन नहीं मेरे माता पिता एक क्रिश्चियन के वहाँ गुलामी करते थे उन्हें घर में दाखिल तक नहीं होने दिया जाता था जमीन में एक गड्ढा बना होता था वहीं उनका खाना रखा जाता था उनको हर प्रकार की छुआछूत और भेदभाव को सहना पड़ा ये किसकी चर्च है हमारी दलितों की ऊंची जाति के लोग हमारी चर्च में नहीं आते उनकी चर्च में जाए तो अलग बिठाते हैं उन्हें लगता है हमारा खून अलग है
उनके खून का रंग नीला और हमारा लाल। आप दलित पैदा होते हो, दलित जीते हो, दलित मरते हो, दलित ही दफनाए जाते हो। जन्म से भेद शुरू होता है, जीवन भर साथ रहता है, और इसीलिए मरने के बाद आपको दफनाया भी अलग जाता है। पूरे देश में इस प्रथा को स्वीकारा जाता है, इसीलिए दलित क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान भी अलग होते हैं। मुझे बताइए, इसकी शुरुआत तो जब जब बच्चा छोटा होता है तब से ही एक तरह से माँ बाप से शुरू होती है, लेकिन जो पहला कदम बच्चे का होता है घर से बाहर, वो स्कूल में होता है, तो ये वहाँ पर भी इसकी शुरुआत वहाँ से होती होगी। आपके फिल्म में भी कई दृश्य दिखाए हैं आपने जिसमें कि आप ये दिखाते हैं, आइए हम लोगों को वो सीन दिखाते हैं। स्कूल में खाना खाया? ना, मैं स्कूल में कभी खाना नहीं खाता। क्यों? बाकी बच्चे अशुद्ध हो जाते मेरी वजह से, इसलिए सब एक साथ बैठते, मुझे अलग बैठना पड़ता है अकेले, इसलिए मैं जाता नहीं, मुझे शर्म आती है। मैं उनके साथ बैठूं तो वो वहां से उठ जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ। इससे तो अच्छा है मैं जाऊँ ही नहीं खाने के लिए, मुझे तो समझ ही नहीं आता ये छुआछूत क्या है ये सब। ये मिड डे मील सर्व हो रहा था, उसमें बच्चा नहीं बैठा था। वहां पे केस ये था कि दलित बच्चों को अलग बिठाते हैं। सी, छुआछूत एक पनिशमेंट है कास्ट को बरकरार रखने के लिए। अब उसमें उसको पकड़े रखना है तो दो चीज की जरूरत है, एक अलगापन, अलग रखो सब चीज को, और दूसरा है कि जो खून है उसको उसी में बांधे रखो। तो हम दो चीज में कास्ट को देखते हैं, रोटी और बेटी व्यवहार। रोटी का मतलब है खाना पीना, उठना बैठना, छूना, स्पेस सेग्रीगेशन, उस सारा व्यवहार। और जो सफ़र करते हैं, जैसे ये बच्चे सफ़र जो कर रहे हैं, उसको अलग होने से वो उससे उसकी डिग्निटी चली जाती है ना, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान बिल्कुल चूर हो जाता है। और जब चूर हो जाता है वो अपने आप से एक वो समझौता कर लेता है कि मैं अपने घर में अच्छा हूँ। अब कैन इमेजिन, वो 10 साल का लड़का 10 साल से उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि यार इससे तो अच्छा ना जाना, तो उसको अलग, वो अलग करने में स्ट्रेटेजी कामयाब हो गई। ये तो हमने जो देखा वो बहुत सिंपल है, इससे भी काफी घिनौने छुआछूत के प्रैक्टिसेस हैं, वो हम अगले क्लिप में देख सकते हैं। ये तीसरी, मैं पांचवी और ये सातवीं। अबे स्कूल मत में जाओ, भगवान को खाएं। स्कूल में पढ़ने के अलावा और क्या क्या करते हो? हम ये सारी जगह साफ करते हैं, सबकी बारी होती है सफाई की। सोमवार को मेरी, मंगल को इसकी और इसकी बुधवार को। सब बच्चों की बारी आती है? पटेल और शिरोया नहीं। मैं समझा नहीं, आप समझाओ। आप समझ गए हो। मैं सच में नहीं समझा। पटेल और शिरोया की बारी नहीं आती, वो ना ही झाड़ू लगाते ना बर्तन साफ करते, सब हमें ही करना पड़ता है। वो रहे संडास, वो लड़कों का और ये लड़कियों का। तो ये आप लोग साफ करते हो? हाँ रोज साफ करते हैं, ना करे तो मार पड़ती है। दो बाल्टी लेकर हम दो लोग जाते, दोनों में पानी भरते, फिर झाड़ू से साफ करते, फिर से पानी डालते, फिर पानी से साफ करते, अगर कुछ गंदा रह गया तो फिर से साफ करते। अगर इस पंद्रह पात्र में खड़े चार, मुझसे वो सारे टॉयलेट साफ कराते थे, हॉस्टल के, लड़कियों के, लड़कों के, सभी। मैंने अपने बच्चे को इसलिए स्कूल भेजा था कि उसे हमारी तरह टॉयलेट साफ न करना पड़े, लेकिन उसे वहाँ भी यही काम करना पड़ा। अब पिछले एक साल से वो स्कूल जाने से मना कर रहा है। बड़े दुख की बात है। आप लोगों को क्या लगता है, मतलब अगर आपकी उम्र है 5 साल 6 साल की और आपको स्कूल में बोला जाए कि आप बाथरूम साफ करिए, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? हेलो सर, सर मैडम शशि है। हाँ सर, फर्स्ट टाइम मैं हॉस्टल में आया था तो मेरे से
कपड़ा धोने के लिए लगाया था, तो उस टाइम मैंने बहुत बैड फील किया था मैंने. मेरे से सीनियर थे वो लोग, और मैं वो लोग बोला सर ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तो वो लोग ने बोला तेरा मुँह रैगिंग लेंगे रैगिंग. सर मैं रूम का झाड़ू मारने का, झाड़ू लगाने का, मेरा एक ही रूम है, मैं एक रूम में झाड़ू लगाता, मेरे को तीन रूम लगाते झाड़ू मारने. मैं इससे मेरे साथ क्यों ना इंसाफी सर. रैगिंग जो आप बता रहे हैं, आप सोचिए कि कुछ लोगों की रैगिंग 3000 साल से सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो कुछ ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया जिसको हम छोटी जात मानते हैं, जिसको उनकी समाज हर स्पेस में रैगिंग हो रही है और चले रहता चलते रहता. और हम ये कहते हैं कि नहीं वो तो मस्ती है यार, वो रैगिंग थोड़ी है. अब हम ये भी कहते हैं कास्ट के मामले में वो तो ये तो परंपरा है. ये तो हमारा लाइफ स्टाइल है, रैगिंग थोड़ी है. शशि मुझे बड़ा दुख हो रहा है आपकी बातें सुनकर, और मैं आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं मुझे लगता है. थैंक्स सर. चलिए मुझे बताइए कि शहरों में हम किन किन तरहों पे इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये कास्ट सिस्टम अभी भी लोग पूरी तरह से फॉलो करते हैं. एक बड़ा सीधा और सरल एग्जांपल है कि आप हर इतवार को जब जागते हैं सुबह को तो अपने अपने जो घर में जो अखबार आता है उसका सेंटर पेज खोलिए, उसमें होगा मैट्रिमोनियल कॉलम्स होंगे, और वो मैट्रिमोनियल कॉलम्स की अरेंजमेंट देखिए आप, वो बाय कास्ट होती है, अग्रवाल बीसा व्यास पटेल ये वो. और उसमें रिलीजन में भी आप देखेंगे, मुस्लिम होगा तो उसमें शेख पठान अलग होगा, क्रिश्चियन होगा तो उसमें जैसे गोवा में RCBC रोमन कैथलिक ब्राह्मण कास्ट, और उसी फ्लो में इंजीनियर डॉक्टर, मतलब ये दो अलग अलग चीजें हैं यार. मतलब ये कि हम कितना भी पढ़ ले के डॉक्टर इंजीनियर और साइंटिस्ट बन जाएंगे लेकिन तब भी हमारी सोच वहीं की वहीं रह जाएगी. तो फिर हम इसमें से निकले कैसे, मतलब क्या करें क्या हम लोग इसमें से निकलने के लिए? जाति भेदभाव और छुआछूत का जो मसला है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, गहरा जरूर है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, बड़ा सीधा है, और उसका सीधा सीधा भी हल हो सकता है. वो कैसे? इंटरकास्ट मैरिज. अब सारा हम जो अरेंज मैरिज का जितना हम लोग ढिंडोरा पीटते हैं हमारे देश में कि हम तो बड़े ट्रेडिशनल लोग हैं, हम तो अरेंज मैरिज में मानते हैं, ये बेसिकली एक कास्टिस्ट स्ट्रक्चर है जहां पे इंट्रा कास्ट मैरिज ही होता है. आखिर में हम कूदते किस पर हैं कि मेरा खून तुम्हारे खून से ज्यादा अच्छा है, मिला दो, मिलावट कर दो पूरा. इसको लॉजिकली देखिए, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने जा रहा हूं, ये शब्द होता है ना ढूंढना. अब मैं अपने कास्ट में ढूंढता हूं, अपने कास्ट में, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कितने चांसेस है मुझे अच्छा वर मिलने का? अगर मैं जात का बाउंड्री खोल देता हूं तो कितना चांसेस है अच्छा वर मिलने का? लॉजिकली स्पीकिंग ज्यादा ही उसमें ही है ना, सारे बाउंड्रीज खोल दो तो आप अरेंज मैरिज ही करें, आपके माँ बाप भी आपको ढूंढ के दें, लेकिन आपके जात के चौकठे से आप बाहर निकल के ढूंढेंगे तो आपको एक की जगह पे 1500 लायक वर मिल सकते हैं. ये फिल्म बनाने का आपने कैसे सोचा, क्या बात थी आपके अंदर जो आपको लगा कि मुझे ये फिल्म बनानी है? अगर हम कोई भी मसले का हल चाहते हैं, वो चाहे छुआछूत का मसला हो या कोई भी मसला हो, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो ये मसला चल रहा है इसकी स्वीकृति करें, इसके बारे में बातचीत करें, बातचीत करें, इसको नकारना छोड़ दें. क्योंकि अगर हम नकारने से शुरू करें कि भाई आपको मसला ही नहीं है, वहां से शुरुआत होती है तो मिल चुका हल फिर तो. अब ये फिल्म के बाद मैं चाहता हूँ कि लोग माने कि ये हो रहा है, अब आगे बोलो क्या करना है. और ये जो शोज आप जो अभी कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो उस सोच का एक शुरुआत है. अनटचेबिलिटी पहली बार नेशनल टेलीविजन और इस लेवल पर डिस्कस हो रही है. हमको 65 साल लगे आमिर जी, 65 years टू ब्रिंग दिस सब्जेक्ट हियर, शेम. हाउएवर कॉन्ग्रेचुलेशंस. चलिए स्टैलिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टैलिन जी की जो फिल्म है उसका नाम है इंडिया अनटच्ड, और इसकी लिंक आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगी, आप वहां जाकर इनकी फिल्म देख सकते हैं. दोस्तों जात पात के आधार पर जब हम भेदभाव देखते हैं तो अक्सर हम चुप हो जाते हैं, डरते हैं या फिर अपने को कमज़ोर पाते हैं, आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते.
चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दो ऐसे लोगों से मिलाता हूँ जिन्होंने हिम्मत भी दिखाई और कामयाबी भी पाई। राजस्थान का समर्थपुरा गांव। इस इलाके में केवल ऊंची जाति के लोग घोड़ी चढ़कर बारात ला सकते थे। कुछ वक्त पहले एक दलित ने अपनी शादी में घोड़ी चढ़ने की कोशिश की थी। एक हमारी समाज की लड़की की शादी थी, तो वो घोड़ी लेके आए था, तो गांव वाले उसके पीछे पीछे भागे। साले नीच चमारों को इतना बोलते हैं, फिर भी घोड़ी लेके आते हैं। तो उसमें एक हमारी समाज का ही था कोई, वो आगे गांव में निकलते टाइम उसको एक झपट भी मार दी थी। अंजाम की परवाह ना करते हुए रामपाल ने अपनी दोनों बेटियों की शादी में इस पुरानी परंपरा को तोड़ने का मन बनाया। देश आज़ाद हो गया है और अपन आज भी गुलामी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा भी अपने अपने गांव के लिए तो अपने समाज के लिए तो अपन भी अगर मर भी गए तो कौन सा फर्क पड़ेगा। गांव की गलियों में दहशत का माहौल था। रामपाल का परिवार काफी डरा हुआ था। सब हमारे घर वाले भी सब भी करते तेरे, तुम गांव से दुश्मनी ले ली, ये कर लिया वो कर। हर वक्त घर में टेंशन रहती थी, कोई पापा को मारने के लिए धमकी देते थे, कोई कुछ बोलते थे, तो डर लगता था। उस वक्त हम पापा से यही कहते थे कि पापा रहने दो, बारात नहीं आएगी घोड़ी पे तो भी चलेगी, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। कोई मारने के लिए आएगा तो क्या करेंगे। पूरा गाँव एक तरफ था और मेरे ससुर जी एक तरफ थे, उनका पूरा सामना करना मुश्किल था, लेकिन रामपाल का इरादा अटल था। फिर हम लोग गए थे पुलिस थाने में, वहाँ रिपोर्ट करी। ये लोग सोचते थे कि हमारे समाज का थानेदार है, अपना सपोर्ट करेगा। तो फिर थानेदार जी बोला, चाहे कोई भी समाज हो, मैं इसमें किसका पक्ष नहीं लेना चाहता हूँ, मैं मेरा कानून का पालन करूँगा। मेरे को चाहे 5 पुलिस वाले ला के निकालने पड़े, चाहे 500 पुलिस वाले लाना पड़े, फिर भी मैं घोड़ी निकला के जाऊँगा, भिंदौड़ी घोड़ी पर निकला के मैं जाऊँगा। थाना अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने अपना फर्ज बखूबी निभाया। सावधानी के तौर पे गांव के 10-15 लोगों को हिरासत में भी रखा। शादी के दिन 3 अलग अलग थानों से पुलिस बुलवाई और बारात निकालने के रास्ते पर कड़ा पहरा लगाया। भिंदौड़ी निकल गई राजी खुशी हमारी, शांति से, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं हुई। अपने समाज के प्रति, अपने घर के प्रति जो भी किया बहुत अच्छा किया, मुझे गर्व है उन पे। और इस तरह सैकड़ों सालों में पहली बार समर्थपुरा गांव में दलित समाज ने दूल्हे को घोड़ी पे बिठाकर शान से बारात निकाली। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रामपाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामपाल जी, आपने बहुत हिम्मत और बहादुरी दिखाई, और साथ में उस पुलिस अफसर ने भी जिनका नाम है मानवेंद्र सिंह जी। इससे पहले कि हम आपसे कुछ पूछें, आइए पहले बातचीत करते हैं मानवेंद्र जी से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे राजस्थान से। नमस्कार मानवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, थैंक यू सो मच। नमस्कार आमिर जी। मानवेंद्र जी, हमने सुना है कि आप भी उसी जाति उसी समाज से हैं जिसके कुछ लोगों ने रामपाल जी का विरोध किया था। आपको इस बात की फिक्र नहीं थी कि जिन लोगों के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं वो आप ही की जाति के हैं? नहीं, जनरली अगर कुछ टीचिंग्स हम देना चाहते हैं, सबसे पहले परिवार से और अपने समाज से शुरू करनी चाहिए, यही मेरा मोटो रहा है और इसी मोटो के साथ मैं सदा ही मैंने काम किया है। तो सबसे पहले मैं अपने परिवार को और समाज को ही कुछ जो अच्छी टीचिंग्स मैंने सीखी है, जो महापुरुषों ने हमें सिखाई है, वो मैं अपने परिवार को ही सबसे पहले दूंगा और फिर पूरे समाज और पूरे देश को मैं देने सर्व करने की इच्छा रखता हूँ। मुझे बताइए कि जात पात को लेकर आपके क्या सोच विचार हैं? आमिर जी, हम आज से 60 साल पहले जब हमें आज़ादी मिल चुकी है और हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट में हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ धक्केनुशी बातें जो समाज में आज भी विद्यमान है और जिसके कारण समाज प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है और कई लोग हम जगह समाज के वंचित तबके जो है अभी भी हमारे मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं। कारण है कि हमारे जो समाज में किसी तरह के जो बैकवर्डनेस या सोच धक्केनुशी है कई लोगों की, और वो बाकी लोगों को भी गलत गाइडेंस करते हैं, उनको सही राह पे लाने के लिए हमें समाज को यूनाइटेड होके ही आगे बढ़ सकते हैं और ये देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा कि अगर हम सब मिलके पूरे देश के हर कम्युनिटी मिलके इस देश को आगे बढ़ाए ताकि हमारा देश भी उसकी सुपर पावर्स में आ सके। बहुत सही कहा आपने मानवेंद्र जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।
दोस्तों अगर हम सोचने जाएं तो ये इतनी छोटी बात लगती है कि बारात में दूल्हा जो है वो घोड़े पे आए, लेकिन यही छोटी सी बात रामपाल जी के लिए एक जिंदगी और मौत की बात बन गई। मुझे बताइए इसके बाद आपके गांव में दोबारा शादी हुई इसके बाद आपके जाति में? हाँ, उसके बाद वही दो तीन ही शादियाँ हो गई थी। हाँ, और उसमें दूल्हा जो है वो घोड़े पे आया? उसके बाद दूल्हा घोड़े पे बैठ कर निकले, बिंदोड़े निकाले गांव में से। और इस दफा पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी? पुलिस की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो मतलब जो आपने पहल की उसका एक असर हुआ? असर क्या हुआ, मैं तो समझो कि हम तो मेरे समझता हूँ कि हमें आजादी मिल गई उनसे। क्या बात है रामपाल जी, आपने बहुत हिम्मत और बहादुरी दिखाई, एक एक पहल की और अपना और अपने गांव का नाम रोशन किया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपके गांव में अमन हो, शांति हो और भाईचारा बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।